नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के तहत महाजन संपर्क अभियान समिति खंड चांद के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। महाजन संपर्क अभियान समिति के सदस्यों द्वारा माता मंदिर चांद में पूजा अर्चन कर बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली नगर भ्रमण करते हुए ग्राम गुमगांव, दिलावर, मोहगांव, बारी, जमुनिया, मेघदौन, लालगांव, बादगांव, पूनिया, टॉप, आमगांव, पंचगांव होते हुए नौनी बर्रा में श्रीराम जानकी मंदिर पहुंची। तत्पश्चात भगवान श्रीराम जानकी की पूजा अर्चना कर रैली का समापन हुआ। गांव भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों के द्वारा रैली में चल रहे राम भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। रैली समापन के दौरान राम भक्तों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्री दुबे जी ने कहा कि समस्त हिंदू जनमानस को समर्पण निधि का संदेश देने को बाइक रैली का आयोजन किया गया। अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य श्री राम मंदिर के लिए देश भर के प्रत्येक श्री राम भक्तों का सहयोग दिया जाएगा। ये धन संग्रह नहीं, समर्पण निधि है। इसके लिए घर घर जाने की योजना है। जो भी राम को अपना और अपना राम की भावना रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। राम मंदिर की योजना वृहद है, इसलिए समाज का वृहद सहयोग चाहिए। इस सघन अभियान में गांव गांव जाकर परिवारों से संपर्क कर श्री राम जन्मभूमि से सीधे जोड़कर रामत्व का प्रसार करेंगे। हर जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के लोगों के सहयोग के साथ श्री राम मंदिर वास्तव में एक राष्ट्र मंदिर का रूप लेगा। ये प्रभु श्री राम का कार्य है, जिसमें समस्त हिंदू जनमानस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें एवं समस्त युवाओं को तन मन धन से इस निधि समर्पण कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील भी की है। इस दौरान विभाग प्रचारक कन्हैया जी, अभियान समिति प्रमुख श्री विनोद विश्वकर्मा, भाजपा नेता, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष श्री शैलेंद्र रघुवंशी, श्री दान सिंह पटेल, श्री डॉक्टर विजय ठाकुर, श्री बिस्सू पटेल, कमलेश चौरिया, गुड्डा रघुवंशी, चंद्रभान रघुवंशी, चंदू पटेल, बबलू पटेल, कामेंद्र ठाकुर, तीरथ रघुवंशी, संदीप रघुवंशी, वीरेंद्र पटेल समेत समस्त हिंदू संगठन सदस्य, कार्यकर्ता बंधु मौजूद रहे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।